अच्छा मिली है 6/5 इसमें आज हम शॉर्ट मेमोरी लेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है बाबा के मूल्य में वैसे तो इम्पोर्टेंट पूरी मूल्य होती है लेकिन कुछ खास पॉइंट जो जो हम जिनके दिन भर अभ्यास कर सकते हैं याद रख सकते हैं जिनको चिंतन मनन कर सकते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप को देह को मत भूल बनाओ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता, बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल। तीन बातें हैं मीठे बच्चे ने अपने को देखना है। पहला तो भूल बनाओ, देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बने और बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाना। तीन बात याद रखनी है इनका ट्रेल में अभ्यास ऐसे कर सकते हैं कि अपने को पहले देखना है तो जांच करने के लिए मैं आता परम राम चले गए उधर से देख रहे हैं अपने ही स्वरूप को देख रहे परम धाम सूक्ष्म बतन में सूक्ष्म बतन से बाबा और मैं लाइट का परिसर साक्षी होकर अपने ही स्वरूप को देख रहे हैं कैसे चले दिन भर कैसे चला नहीं मेरी तो इसमें एक ये ड्रिल कि अपने ही चलन को देख रहे तो ड्रिलों का भी अभ्यास हमें करना है मूल्य से नए नए पॉइंट निकाल कर। फिर बाबा ने प्रश्न में बताया निश्चय के आधार पर जो किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है तो उसके लिए तीन बात आता है। पहली है पहले अपने को आत्म निश्चय करो तो बाप से प्यार आएगा। पहले हमें आत्म निश्चय करना तो बाप से प्यार आएगा तो हमें परम धाम की ढेल मिल गई है कि अपने को आत्मा समझ कर मैं आत्मा परम धाम चले और मुझे परमात्मा प्रेम की अनुभूति हो रही है। बाबा से जो प्रेम का तरंगे हैं वो फुल वेग से मेरी तरफ आ रही है और मुझे आत्मा में प्रेम की अनुभूति बढ़ती जा रही है। पहला जो था आधार प्रेम का आधार है निश्चय निश्चय ये था पहले अपने को आत्मा निश्चय कर लो दिन भर में पहले संकल्प ही कर लो उठते बैठ रहे कैसे भी कि मैं आता था। दूसरा है यह भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है यह भी निश्चय चाहिए क्योंकि बाबा ही जो मूल्य सुना रहा है उसको नहीं सुना जो बाबा है ना बाबा ही इनके तंत्र जो ब्रह्मा बाबा के लिए तो ब्रह्मा बाबा के समय तो अभी नहीं है लेकिन जो मूल्य सुना रहा है उस समय भी ये निश्चय है कि जो मूल्य सुनाने वाला है जो भी सुना रहा है जो भी मूल्य की बात कर रहा है वो परमात्मा का ही सत्य ज्ञान। तीसरा है वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं भागीरथ बाबा ने कहा कि वह इनके द्वारा माना ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब यह निश्चय टूटता है तो प्यार करना जब हमें ये निश्चय टूट जाता है कि ये भगवान की नहीं कोई और पढ़ा रहा या यही समझ लिया कि जो टीचर चला रही है यही और इनके जीवन में तो परिवर्तन नहीं हुआ हमारे जीवन में कैसे हो तो इसमें भी संशय तो आ जाता है निश्चय तो ये देखो कि वो मुरली शायद सुनाने वाला उस स्थिति में ना सुना रहा है लेकिन अगर सुनने वाले की स्थिति अच्छी है तो वो ऊंचा जा सकता है क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक महाभारत होशियार जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो चाहे टीचर कितने भी कम कर दो उससे भी सीख लेता है। और इसी इसी संदर्भ में बाबा एक कहावत कहते हैं ना वो पंडित वो राम राम कहा उसका भक्त तो पार हो गई और वो पंडित राम राम कहा मरा मरा हो गया तो डूब गया। हमें अपने आप में चेक करना है कि मेरे लगन में कितनी है मैं कितना ज्ञान आप कर रहा हूँ मैं कितना मुझे निरंतर आत्मानुभूति हो रही है निरंतर मैं कितना योग का अभ्यास कितना मेरा चार्ट है कितनी मैं ड्रिल कर रहा हूँ कितना मैं श्रीमत पे चल रहा हूँ कितना मैं अमृत वेले कर रहा हूँ मूल्य सुन रहा हूँ चिंतन कर रहा हूँ याद में खाना खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ रसेंद्रिय व्यवस्था नहीं खा रहा हूँ
जन इंद्रियां सारी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल है, ये सारी चीजें इससे निश्चय इनको भी चेक करते करते हमें ड्रिल करते हैं दिन भर में। मुरली के बीच में कुछ बाबा ने कहा कि अब हर एक को अपनी दिल से देखना है, अब अपने दिल में देखना है हमारे में देवी गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है, 16 गंग कला संपूर्ण है। बाबा ने क्यों किया था, क्वेश्चन किया था, बाबा क्वेश्चन करता है मुरली के बीच में, आप अपनी दिल में देखना है। दिल में कैसे देखेंगे, कौन सा दिल में कैसे देखेंगे, खुद की आंखों से खुद का दिल, दिल तो छोड़ो कुछ नहीं देखता शरीर के अंदर, लेकिन वो मन की आंख, दिल माना मन की आंख, दिल की आंखों से मतलब हम अपने साक्षियों के अपने सूक्ष्म शरीर से या अपने को आत्मा समझकर बाहर शरीर के बाहर निकल के ये चेक करना है कि हम कितने देवी गुण आ रहे हैं, आ भी रहे हैं कि ऐसे जैसे। फिर बाबा ने आगे कहा माया संशय में लाती है, बहुत सारे संशय आते हैं दिन भर, मैं बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, ये उधेड़ बेड़ चल चल गए दिन भर, बनूंगा या नहीं बनूंगा, चलूंगा नहीं चल, ये करूं वो करूं जे करूं वो खाऊं। अरे भगवान हमारा साथ ही है। अरे लौकिक में देखो जिनके पिता अच्छे पुरुष में होते हैं तो उन बच्चों को नशा रहता है, बड़े अधिकार से वो दूसरे अपने दोस्तों के सामने क्या कहते हैं, हमारा बाप ऐसा है, और कहीं अगर कुछ हो गया तो और धमकी भी दे रहे हैं हमारा बाप। अरे हमारा बाप भी सा वो ही परमात्मा है हमारा, हमें डरने की क्या बात है, कोई डरने की बात है किसी से, किसी भी चीज में संशय तो आने की बात ही नहीं, कैसे चलेगा क्या होगा। अरे जो होगा कल्याणकारी ही है, ड्रामा कल्याणकारी है, बस निरंतर उसकी श्रीमत को फॉलो करो। हे अर्जुन तू सिर्फ मेरी मान, मेरी मत पे चल, जो मैं कह रहा हूँ वो कर, तू न देखे कि ये मर जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं रहेगा तो क्या होगा। अरे तू भी मरेगा और लड़ते लड़ते मरेगा, पुरुषार्थी जीवन में मरेगा, तो तू गारंटी है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ किसी स्वर्ग का अधिकारी बन। अरे हमको भी पुरुषार्थ करते करते मरे ना, मर नहीं है, निश्चय से मरे ना कि भगवान हमारे साथ। ये क्या संशय कि ये होगा नहीं होगा। बाबा एग्जाम्पल देता है, कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या मिलता है, ऐसे ही हमको भ्रमित करते हैं, भ्रमित कर देता है, जैसे वो रामायण में दिखाया ना काल में, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे काल नियम आते रहते हैं दिन भर दिनचर्या। जब हनुमान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा मेघनाद ने शक्ति बाण मारा, तो अब सब उदास कि कौन जा क्या होगा, कैसे क्या उपाय है, तो विभीषण ने कहा कि उसका उपाय सिर्फ जो लंका में वैद्य है उस वैद्य के पास है। हनुमान बिना सोचे समझे जल्दी गया उस वैद को ले आया, लेकिन लंका जाएगा कौन, पहले प्रश्न था। फिर लेकिन हनुमान को याद किया, हनुमान के यहाँ लंका जा चुके थे, तो लंका गए उस वैद को, वैद को घर साहेब ठाला, पहले उस वैद ने तो मना किया कि ये नहीं मैं नहीं करूँगा, शत्रु का इलाज नहीं करना है, लंका का शत्रु मतलब मान। तो हनुमान ने विभीषण ने जब बोला कि बीमारी कोई शत्रु और मित्र नहीं देखती है, डॉक्टर का कर्म है धर्म है, जब उसको समझाया रिक्वेस्ट की राम ने भी समझाया तो वो तैयार हो गया, लेकिन बोले ये संभव असंभव है क्योंकि इस मर्ज की दवा हिमालय की चोटियों में पृथ्वी के दूसरे छोर इस छोर से दूसरे छोर में है, उधर से उस जड़ी बूटी को भोर होने से पहले मतलब सूर्योदय होने से पहले लाना पड़ेगा, तब इनको वो जड़ी बूटी खिलाएगी तो तब ये शक्तिवान कर ये इनका मार्ग ठीक हो सकता है। अब फिर एक परेशानी तो ठीक हुई, दूसरी परेशानी हो गई जाएगा और इतनी तेज गति में जाएगा, तो फिर राम हनुमान कहता है भगवान असंभव को संभव करना तो ये हमारा काम है, मैं जाऊँ जड़ी बूटी लेने।
हनुमान राम पूछते हैं उससे परीक्षा, राम तो सब जान ही जाने ना रहे हैं, फिर भी वो पूछता है परीक्षा लेने के लिए क्या क्या हनुमान तुम जा पाओ, संभव है तुम्हारे लौट गया। वो हनुमान कहता है हनुमान का काम ही है प्रभु, प्रभु का सेवा, हनुमान का काम नहीं है असंभव संभव करना। और हनुमान कहता है जय श्री राम, रोड जाता है और ये खबर लंका में पहुंचा। रावण के भी जो जासूस राम के शिविर में होते हैं तो हनुमान तक खबर पहुंचती है कि हनुमान जा रहा है वो जड़ी बूटी लेने, और वो जड़ी बूटी ले आया तो लक्ष्मण ठीक हो जाएगा, और लक्ष्मण ठीक हो गया तो मेघनाथ है जो इंद्रजीत उसका बचना बस। तो रावण ने इतनी लड़ाई क्या कर उसको रोके, कैसे कालनामी को प्रकट, कालनामी को बुलाया राक्षस कालनामी। तो कालनामी से रावण ने कहा कि तुमको हनुमान को रोकना है। तो कालनामी ने कहा कि प्रभु जब हनुमान लंका में आया था तो क्या आपने उसको आग लगाने से रोक पाया, तो मैं कैसे हनुमान को रोकूं। रावण कहता है तुमको सिर्फ हनुमान को रोक के बहला के कुछ भी करके कैसे भी करो उसको रोक के रखो, सिर्फ सुबह हो जाएगा और जीत हमारी है, लक्ष्मण जब तक मर जाएगा। कालनामी जाता है रूप बदल के साधु के वेश में और राम कीर्तन करता है, और हनुमान की नजर पड़ती है कि जंगल में यानी जंगल में रास्ते में ये भक्त राम का कौन है। हनुमान उतरते हैं और वो कालनामी उसको बुलाता है जडेयू कहाँ जाता है, थोड़ा आराम कर लो विश्राम कर लो। हनुमान उतरता है और हनुमान का जो कहता है कि राम काज करने वाले को सेवक को विश्राम का अवकाश नहीं। तो कालनामी और भरमाने के लिए कहता है कि मैं तुमको ऐसा रास्ता बता दूंगा कि जिससे तुम किस पहाड़ी पे जाना है उस पहाड़ी पे जल्दी पहुंच जाओ, और तुमको रास्ते में भूख और प्यास भी नहीं लगेगी, ऐसी युक्तियां मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम जाके स्नान करके आओ। हनुमान जाता है स्नान करके आता है और उसको मगरमच्छ आके पकड़ लेता है, तो मगरमच्छ को हनुमान छुड़ाता है, जलपरी प्रकट होती है, फिर वो सारी चीजें बताती है कि कालनामी है। फिर हनुमान आता है और उस कालनामी को गदे की मार से मारता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो माया है वो कालनामी बन के आता है, जो अच्छे अच्छे प्रलोभन है, अच्छे अच्छे चीजें हैं जो हमारे योग ज्ञान योग में डिस्टर्ब करने वाली है, ऐसे ही कालनामी बन के आता है। उनको हमको पहचान, उनको पहचान के दूर कर गधे की मार से। कौन सा गधा, ज्ञान की गधा, बाबा कहते ना ज्ञान की गधा, तो ज्ञान के पॉइंट जब याद रहेंगे ड्रिल की गधा, ड्रिल हम करेंगे ज्ञान जी रहेंगे, अपने पुरुषार्थ में उन्नति में लगे हुए रहेंगे, डूबे रहेंगे राम राम के काज में, बिल्कुल निरंतर एक ही धुन लगी रहे राम का काज करना है, तो कैसे नहीं हमारी जंग जीत। फिर हनुमान उड़ के जाता है और उसको समझ में नहीं आता ये जड़ी बूटी ठीक है कि नहीं है, और वो पूरा पहाड़ उठा देता है। ऐसे ही हमको समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से नहीं करें, जो मिले उससे शुरू करता है, उठा लो पूरे पहाड़, ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान जहाँ से क्लासेस हैं, दादियों के अनुभव हैं, अमूल्यियाँ हैं, अव्यक्तवाणियाँ हैं, अनुभव है बड़े महारथियों के, जिससे मनुष्य मोटिवेशन हो अपना शेयर, उसको पकड़ लेना है, उसको उठा लेना है, छोड़ना नहीं। वो हनुमान उठाता है पहाड़ और फिर कहता है जय श्री राम, और फिर पूरा पहाड़ को लेकर चला जाता है, कहाँ लौट के आएगा और पूछ के जाएगा, फिर वो जड़ी बूटी लाएगा, किसी को लाएगा, टाइम दे वो इधर नहीं। ये हमारा अंतिम समय है, अब हमें ये समझना है कि क्या करें क्या ना करें, ये समझ से हमको नहीं आ रहा, तो बस बाबा को याद करके जय श्री राम, बाबा को जय से बोले ना, बस उठा लेना है सारा जिम्मेवारी, जो कुछ जहाँ से समझ में आ रहा है जैसा वैसे खुद जाने लग जाना है, ऐसे वैसे कैसे। फिर हनुमान आता है, जब हनुमान आता है तो लेके
रास्ते में बहुत सारी कहानी होती है, भरत से मिलता है, बहुत सारे चीज होती है। लेकिन वो जैसे ही पहुंचता है तब तब वो उसको टाइटल मिलता है हनुमान को संकट मन। श्री राम कहते हैं तुम संकट कट चल। संकट मोचन का टाइटल तब मिलता है उसको। परीक्षा ली ना राम को, पता नहीं था ऐसे ही हमारे यज्ञ में जगदीश भाई जी का नाम कि उनकी कितनी, जब पहले उन्होंने बुक लिखी तो कहते ना उनको टेस्ट दिए कि बाबा को पता नहीं था, बाबा को पता था लेकिन बाबा को वरदान देना था सैन्य, इसलिए वो रात को अंधेरे में जाके लेके बुक लिखे कितने सुधार हुए कितना क्या क्या। ये भगवान हमारे जानता है कि हमारी कमी कमजोरी क्या है, लेकिन हम फिर भी उससे हिम्मत रख के और हमको आगे बढ़ते जाना है। बहुत जरूर रास्ता देगा, कहीं ना कहीं रास्ता देगा और देता है, इसलिए उसपे निश्चय। इसी पे बाबा ने उदाहरण दिया, कन्या पति के साथ शादी करते समझते उनसे बहुत सुख मिलता है, परंतु सुख क्या मिलता है, कालनामी है, संशय माया संशय में लाती है, फट से जाकर अपवित्र बनती है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है, जब कुमारी रहती है तो पवित्र रहती है तो सब माथा टेकते हैं, अपवित्र बनी हो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देते हैं। आज सब उनको माथा टेकते कल खुद माथा टेकने लगती है, कहते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई, जब रानी जैसे रहती है, जब बच्ची छोटी होती है पवित्र रहती है, घर में माता पिता के पास आती है तो रानी जैसे रहती है, पर कहते हैं विवाह होता है तो लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी समझ के उसको घर में प्रवेश करते हैं कि लक्ष्मी आई। फिर इतना काम जाड़ू पहुंचा बर्तन कि बाई बन जाती है, इसलिए कहते हैं रानी लक्ष्मी बाई। तो बहुत से उदाहरण है। फिर आगे बाबा ने कहा है आज यह घर घर घाट क्या है, दुनिया को बाबा ने कहा आज घर घाट क्या है, क्या चल रहा है, कितना गंद लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है वैश्याला, सब विष से पैदा होते हैं, इसको वैश्याला कहा, बिल्कुल सब विष से पैदा होते हैं, कहते हैं यह अंतिम जन विष पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं, वो तो विष को वैसे ही नहीं समझ रहे, अमृत समझ रहे, ज्ञानियों को समझते हैं कठिन और उसको समझते हैं आसान, कहीं ना कहीं कमजोरी है विषय की इच्छा है तो कहां से फंसे हैं। सुन कहते हैं यह अंतिम जन्म पीना छोड़ो, फिर भी समझते नहीं, बाबा कहते हैं लेकिन समझते कहां, जन्म जन्मांतर की पुकार सड़ी, सम जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई यह खाल है जो अभी तुमको छोड़नी है, चिंतन ही नहीं है कि खाल के पीछे हड्डी मांस के पीछे, अरे शरीर को 1 mm छील दिया जाए तो देखो कहाँ है सुंदरता, प्लास्टिक से तो ढका हुआ है, कहाँ सुंदरता है, गंध मैला भरा हुआ है, शरीर है ही नहीं है सुंदरता कहीं, ऐसे ऐसे तो बहुत डांस करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर जाकर भिखारी बन, ऐसे बहुत बाबा के पास आए जो सुन पहले खून से लेकर लेटर दिए और जाकर ठीक नए नए अनुभव किए वैकुंठ में जाकर। बाबा कहते हैं ना गाय जाता है चढ़े तो चाचे वैकुंठ पर, वो गिरे तो चकना चू, बाप भीती देते हैं तुम वैकुंठ के, भीती मतलब याद दिलाते हैं, मालिक थे बन सकते हो और थे तो वैकुंठ के मालिक बन सकते हो, अगर ज्ञान योग सीखेंगे तो बाप को छोड़ा तो कह कटा ऐसे बहुत हैं जो 10 साल 20 साल ज्ञान किया चलो, हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होंगे कि जिनको हमने देखा जिनके साथ चल के आगे बढ़े और वो आज गायब हुए, जिन लोगों ने हमको सिखाया पवित्रता ब्रह्मचर्य ज्ञान योग सारी चीजें चले गए, तो माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते हैं ना खून से लेटर लिखे वो लोग गायब, अरे हमको नहीं लिखना उनसे लेटर, हम पेन सिंपल पेन से लेटर लिखेंगे काका, लेकिन उस लेटर में इतना दम होगा कि उस लेटर को लिखते लिखते हमारे आंखों से आंसू आ जाए, खून के पश्चाताप के नहीं, इस प्रेम की ऐसे आंसू आ जाए, बिल्कुल हृदय पिघल जाना चाहिए, ऐसे प्रेम के आंसू आ जाए, दिन में रोना भी चाहिए,
अमृत वेले भगवान की प्रेम के आंसू नहीं आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं कहीं बुद्धि हसी हुई पानी चाचा। बाबा ने फिर ड्रामा का इतना एक्यूरेट उदाहरण दिया है कि मच्छर पड़ा कल को बात भी उड़े। अगर मच्छर आपको योग में बैठे बैठे काटा तो वो 5000 वर्ष काटते ही रहे, इसलिए अलाउट लगा दो, नहीं तो वो परमानेंट बन जाएगा। कितने सूक्ष्म कितने रमणीय एग्जाम्पल बाबा देता है समझाने के लिए बच्चों को। तुम बच्चों को इस पुरानिया से वैराग आना चाहते, वैराग अभी भी लोगों को वैराग है, इतना लॉकडाउन इतना सब होने के बाद इतनी व्याधि होने के बाद भी लगे रहते हैं इसको फोन करेंगे उसको फोन करेंगे। वैराग वैराग कैसा वैराग होना चाहिए, ऐसा वैराग कहा जाए कि सेवा के अलावा कोई भी आउटगोइंग कॉल नहीं होनी चाहिए। अभी तो राग उसी में फंसा है क्योंकि हम यहाँ फोन लगा रहे, उधर फोन लगा रहे, उधर न्यूज ले रहे, इधर न्यूज ले रहे, यह बुद्धि उठ जानी चाहिए। सेवा से पारे के कोई ज्यादा सेवा नहीं, विशेष ज्ञान पुरुषार्थ में वैराग्य में अपना चिंतन में योग अग्नि ज्वाला प्रकट करने में अपना समय, ना कि किसी इधर उधर को याद करना। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहे, बाबा कह रहे याद की आदत पड़ अभी तक याद की आदत, शरीर का बांध टूटते जाएगा, याद की आदत बढ़ाते जाएंगे तो शरीर का बांध टूटते जाएगा, हृदय का बांध नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान रहना चाहिए। अब भ्रष्ट कर्म नहीं कर, कोई कुदृष्टि न जाए, अपने को देखो हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं, अपने को देखो हम लक्ष्मी को बनने लायक बने हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मिल देखो, बाबा जी सारी चीजें देखने की क्यों याद कर रहे थे, अपने को देखो कि हम लक्ष्मी नारायण को बनने लायक बने हैं, बाप को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं। रोज पोता मिल देखो, सारे दिन दे ईमान में आकर कोई दुकर्म तो नहीं किया, कोई कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना हो जाए। माया चाट भी रखने नहीं देती, दो चार दिन लगकर कर छोड़ देते। और बाबा ने आज का वरदान कहा है, हर संकल्प समय वृत्ति और कर्म, चार बात है, हर समय संकल्प वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवादारी, सेवादारी की परिभाषा बताइए, संकल्प समय वृत्ति और कर्म चार द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवादारी हो। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं, निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवादारी बनो, सोते हुए भी सेवा हो, सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे, हर कर्म इंद्रिय द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो, अपनी पावरफुल व्यक्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो, कर्म द्वारा कर्मयोगी का वरदान देते रहो, हर कर्म में पदों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्व सेवा। अच्छा स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी रूहानी पर्सनालिटी को उस मति में रखो तो महाजीत बन जाएंगे। अपनी रूहानी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, रूहानी व्यक्तित्व मतलब बाबा ने एक यज्ञ में वो कहे ना, व्यक्ति एक व्यक्तित्व वाला जगदीश भाई के, तो कितना व्यक्ति एक ही था लेकिन कितनी वैरायटी, कितनी खूबियां थी। तो हमारी भी रूहानी पर्सनालिटी को उस मति में रखना है कि हम भी आत्मा है और मायाजीत बन में आएंगे, कितने कितने रूप से आए, अलग अलग व्यक्ति उससे आए प्रभु लोगों से माया, लेकिन हम भी पर्सनालिटी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे, हमारा भी व्यक्तित्व अनेक है, ये सोचना है। अच्छा ओम शांति।